हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। चलिए आज मैं हूँ लुधियाना के घंटाघर के समीप। तो मैं आज घंटाघर के बारे में कुछ बताना चाहूँगा आप लोगों को, आखिर ये घंटाघर क्यों बनाया गया था, किस लिए बनाया गया था, तो चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं। तो कहा जाता है कि लुधियाना के घंटाघर को बनाने की शुरुआत सन 1862 ईस्वी में शुरू हुआ था और जाकर के 1906 ईस्वी में इसका उद्घाटन पंजाब के तत्कालिक लेफ्टिनेंट गवर्नर चार्ल्स और लुधियाना के तत्कालिक डिप्टी कमिश्नर दीवान टेक चंद ने किया था। इसका निर्माण में कुल लगभग 44 साल का समय लगा था। तो चलिए बताते हैं आखिर इसका निर्माण क्यों किया गया था। तो कहा जाता है कि लुधियाना के घंटाघर को बनाने में लग गए थे 44 साल, महारानी विक्टोरिया की याद में किया गया था इसका निर्माण। तो आप लोग बता सकते हैं, तो आप लोग को पता हो गया ना कि रानी विक्टोरिया की याद में लुधियाना का घंटाघर बना था और 44 साल का इसमें वक्त लगा था बनने में। तो आप देख लीजिए, ये लुधियाना का घंटाघर है, इसके समीप में इतना मार्केट जाम रहता है, इतना ट्रैफिक रहता है, अगर आप मुश्किल से फंस गए किसी भी वक्त तो हो गया, आप समझ जाइएगा आप एक जगह खड़ा हो जाइए। अभी तो ये दोपहर का समय है, दोपहर में मैं गया था, देखिए कितना धूप है, पूरा कड़ाके की धूप और एकदम गर्मी भी उतना ही। तो देखिए स्किन में भी आपको एकदम लू टाइप का दिख रहा होगा, बहुत ही धूप था यार इसमें बनाए। तो देखिए आपको सब कुछ घूम, उसके ओवरब्रिज है जस्ट घंटाघर के समीप ओवरब्रिज, ये सामने जो मार्केट दिख रहा है इतना भीड़ रहता है इसमें, कपड़ा का और हर फ्रूट्स का, ड्राई फ्रूट्स ले लो आप कुछ भी यहाँ पे बहुत सस्ते दाम में मिल जाएगा, कोई भी ड्राई फ्रूट्स लो आप, काजू से लेके पिस्ता, बादाम, केसर वगैरह हर कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा और थोड़ा सा चीप एंड बेस्ट में भी मिलेगा आपको। यहाँ कपड़ा का भी बहुत मतलब यहाँ दुकान है, आपको यहाँ जाइएगा तो सब बुला बुला करके पकड़ पकड़ के आपको कपड़ा दिखाएंगे ज़बरदस्ती, अगर नहीं भी लेने का मन है तो वो खोल के दिखा रहे हैं, ऐसा हो जाएगा लास्ट में कि आपको कुछ ना कुछ लेना ही पड़ेगा, आपको ही अच्छा नहीं लगेगा इतना चीज़ दिखा दिया भाई कुछ ना कुछ ले लेते हैं। तो देखिए इतना कड़ाके की धूप में गए थे शूट करने के लिए ब्लॉग, तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं धीरे धीरे। ये मार्केट दोपहर में इतना जाम, उसमें भी इतना गर्मी, तब अभी थोड़ा सा शाम जब होगी तो इसमें जो है ना वो सिर्फ मुंडी ही दिखेगा आपको, रास्ता कहीं एक इंच भी खाली नहीं दिखेगा, सिर्फ मुंडी ही मुंडी आदमी का दिखेगा। अभी देखिए दोपहर में कौन जाता है भाई मार्केट, तब इतना जाम है वहाँ पे। तो 3-4-5 बजे के बाद तो आप भाई पूछिए मत, इतना भीड़ रहती है। तो चलिए आप घंटाघर को सभी तरह से जूम कर करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। सोचिए 44 साल, 1806 ईस्वी में ये बनना, 1862 में बनना स्टार्ट हुआ, 1906 में इसका उद्घाटन हुआ, 1862 से जोड़ लीजिए अभी 2024 चल रहा है, कितना साल हुआ होगा इसका, तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कितना मजबूत है ये। और इसका जो ग्राउंड है सब पूरा सेफली है, पूरा घेर के रखा गया है। तो भाई यहीं से अपना ब्लॉग को समाप्त करते हैं आज, तो देखिएगा ब्लॉग को, थोड़ा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।